कल मंगलवार से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो जाएगी। पुरानी संसद में आज सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन रहा। आने वाले दिनों में पुरानी संसद के एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं संसद भवन परिसर में, जहां नई और पुरानी संसद के बीच में ये वो स्थान जो अब इतिहास बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ होगी पुरानी संसद तो दूसरी तरफ होगी नई संसद। और अब ये आखिरी दिन है पुरानी संसद में कामकाज का। इसके बाद कल मंगलवार से जो कार्रवाई है सदन की वो नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक पल रहेगा और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं नए संसद भवन परिसर में। अगर देखें तो पुराने संसद भवन परिसर को ये जो ऐतिहासिक लम्हे और जिस तरीके से गवा रही है ये संसद, यहाँ पर कई कानून बने हैं, कई बहस हुई हैं पुरानी संसद में। आज सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन रहा मंगलवार, यानी कल 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई संसद भवन में शुरू हो जाएगी। आज पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में 50 मिनट की अपनी आखिरी स्पीच दी। पीएम मोदी ने इस दौरान पुराने संसद भवन में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को याद करते हुए पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र किया। दरअसल करीब 96 साल में पुरानी संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भीषण बहस, जोरदार हंगामों, सांसदों के भाषणों, ऐतिहासिक कानून और विधेयकों के पारित होने की गवाह रही है। इसके साथ ही देशवासियों का एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हालांकि अब जगह और सुविधाओं की कमी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर के चलते खामियों को देखते हुए सरकार ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की। करीब 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार ये नई संसद भवन तैयार है, तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस है और दोनों सदनों की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। कल मंगलवार से सदन की कार्रवाई नई संसद भवन में शुरू हो जाएगी, लेकिन पुराने संसद भवन में अभी भी सचिवालय का स्टाफ वो काम करता रहेगा। कुछ दिनों बाद संबंधित जो स्टाफ है नई बिल्डिंग में वो शिफ्ट कर जाएगा, बाकी अन्य विभाग पुरानी बिल्डिंग में ही चलेंगे। जानकारी दी गई है कि पुराने संसद भवन को संरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। आने वाले दिनों में भवन की मरम्मत का काम पूरा कर इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और विजिटर्स इस म्यूजियम में आ सकेंगे, जहाँ पर फिलहाल संसद की कार्रवाई होती है वहाँ और चैम्बर में भी वो बैठ सकेंगे। आने वाले दिनों में एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोला जाएगा। साथ ही विजिटर्स को अब पुराने भवन के साथ नई संसद को भी देखने का मौका मिलेगा। तो इसके अलावा नया जो संसद भवन है कई सुख सुविधाओं से संपन्न है, तकनीक से संपन्न है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संपन्न है। इसके अलावा संसद भवन से जुड़े कार्यक्रम के लिए पुराने भवन के सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल भी किया जाता रहेगा। तो ये ऐतिहासिक लम्हा रहेगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और हम भी इसके गवाह बने हैं, क्योंकि नया संसद भवन तैयार है नई पटकथा लिखने के लिए। तो वहीं पुरानी संसद में जो योगदान रहा है और जो उसका कार्यकाल रहा है उसको भी यहाँ भावनात्मक तरीके से याद किया गया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।